बिस्मिल्लाह। आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू द न्यूरो एनाटॉमी पार्ट वन। अच्छा, सबसे पहले न्यूरो एनाटॉमी है ना, तो यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सबसे पहले सवाल अगर मैं पूछूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है क्या, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे पास बॉडी के पार्ट्स हैं अदर देन द ब्रेन जो है, वहाँ से ये इंफॉर्मेशन हमारे पास लेता है, इंफॉर्मेशन लेगा, उसको समझता है जनाब, उसको इंटीग्रेट करता है, देखता है, फिर करेक्शन करता है कि ये वाले सिग्नल आगे मैं भेजूँ ना भेजूँ। इस किस्म का काम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। क्या करता है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन ली और फिर उसने उस जो फिर राइट तरीके से, फिर यानी कि सेंसरी इंफॉर्मेशन ली, सेंसरी इंफॉर्मेशन यही होता है कि सेंस की स्टिमुलस लिया और फिर उसके रिस्पांस में जो रिजल्ट देता है, फिर मोटर सिग्नल जो सा हमारे पास प्रोवाइड करता है ताकि आगे जाकर हमारे पास एक्शन हो सके। तो ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये देखें क्या करता है। फॉर जो नर्वस सिस्टम हमारे पास, हम डिवाइड करते हैं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। अच्छा, फिर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में एक सेंसरी पाथवे आ जाता है, एक मोटर पाथवे आ जाता है। मोटर से मतलब फंक्शनल जो पार्ट होता है, सेंसरी का मतलब जो स्टिमुलस होगा, सेंस होगा। अच्छा, होता यूँ है कि सेंसरी पाथवे जो होता है वो सेंस करता है किसी भी बॉडी बॉडी का हमारा जो पार्ट्स है वहाँ से सेंस होगी बात, वो जहरी बात है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा, वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको देखेगा, समझेगा, इंटीग्रेट करेगा और फिर वहाँ से सिग्नल हमारे पास जो उनसे वो मोटर पाथवे की, जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मोटर पाथवे है यानी कि फंक्शनल जो काम है वो हमारे पास जो है वो करवाएगा, फिर एज ए रिज़ल्ट हमारे पास फंक्शन परफॉर्म होगा। ये बात यहाँ तक हम हो गए। अब जो सेंसरी पाथवे है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास स्पेशल सेंसेशन होती है, एक जनरल सेंसेशन होती है, ठीक है। और स्पेशल सेंसेशन लफ्ज़ इंडिकेट कर रहा है कौन सी होंगी, मतलब जिस तरह विजन है ना जनाब, जारी बहुत है, हम आँख से देख सकते हैं सिर्फ, ठीक है ना, हेयरिंग है तो हम सिर्फ कान से सुन सकते हैं। अच्छा, ओल्फैक्शन, ओल्फैक्शन हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो स्मेल होती है ना, स्मेल, अब जहरी बात हम उंगलियों से स्मेल तो कर नहीं सकते, स्मेल के लिए भी हमारे पास नोस्ट्रिल नेजल जो उनसे होते हैं वो इस्तेमाल होती है। तो इसलिए अब और होगी इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ द पोजीशन, ये रिलेटेड हमारे पास होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये सारा कुछ आपको फर्दर जो से उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा बहुत अच्छी तरह, लेकिन बहरहाल ये समझे इक्विलिब्रियम, जिस तरह हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, सेंस ऑफ यानी कि बॉडी की पोजीशन जो सी होती है, बॉडी किस पोजीशन में खड़ी है, तो वो एक ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट से हमारे पास जो होते हैं सेंस हो रही होती है। तो इसलिए इसकी स्पेशल सेंसेशन कहाँ से आएंगी, ये होती है इनके आँख से जो आ रही होगी, कान से आ रही है, इनके ऐसा पार्ट जो स्पेसिफिक कोई एक काम कर सकता है, वहाँ से जो सेंसेशन आएंगे उसे हम स्पेशल सेंसेशन कहेंगे। और जनरल सेंसेशन क्या है, वो कहीं से किसी भी पार्ट से आ सकती है, ठीक है। अब टच है, टच आप जनाब वाले खूबसूरत गालों को भी कर सकते हैं, आप जिस्म के किसी पार्ट को टच कर सकते हैं, तो टच की स्टिमुलस प्रोड्यूस हो सकती है। प्रेशर भी इसी तरह है, आप प्रेशर किसी भी तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। अब जनरल सेंसेशन को जो करना, उसको फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक सोमैटिक सेंसेशन, एक विजुअल सेंसेशन। अब सोमैटिक सेंसेशन वो है जो कि जनाब वाला ये स्किन जो है सुपरफिशियली पार्ट जो है, स्किन हो गई और इसके सबकुटेनियस टिश्यू हो गया, फैशिया हो गया, फैशिया वही होता है ना, थिक कमर पर मस्कुलर कवरिंग होती है, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो है लोकोमोटरी सिस्टम। व्हाट इज लोकोमोटरी सिस्टम? लोकोमोटरी सिस्टम वो होता है जो कि हमारे पास मूवमेंट के रिलेटेड हो, जो हम चलते हैं, ठीक है ना। अब मूवमेंट के रिलेटेड हमारे पास जॉइंट्स आ सकते हैं, लिगामेंट्स आ सकते हैं, टेंडन्स आ सकते हैं, जहरी बात है टेंडन्स लिगामेंट्स ये वगैरह, और जॉइंट्स मुख्तलिफ जो बॉडी के पार्ट्स में है। लिगामेंट्स हमारे पास एयर में भी मिल जाते हैं, लिगामेंट्स हमारे पास स्कल में मिल जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मिल जाते हैं। तो इसीलिए जनरल सेंसेशन में रखते हुए सोमैटिक सेंसेशन, उसकी 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 डिवीजन सोमैटिक सेंसेशन में, और जो इन इन पार्ट से हमारे पास सेंसेशन आती है उसको हम सोमैटिक सेंसेशन में रखते हैं, ठीक। फिर आती है विजुअल सेंसेशन, वो सेंसेशन जो कि हमारे पास
किसी ऑर्गन वगैरह से आते हैं। विजरल का मतलब ऑर्गन होता है ना। अब जिस तरह डल पेन है, डल पेन में फॉर एग्जांपल क्या आ सकता है, या डिस्टेंशन होगी, डिस्टेंशन हर्ट जोन से हमारे पास जब डिस्टेंड हो जाता है, मतलब जब ब्लड ज़्यादा आने लगता है तो वो ज़्यादा डिस्टेंड हो जाता है, ठीक है ना। या डल पेन, अब ये डिस्टेंशन जारी बात है हार्ट हार्ट से भी आ सकती है। GIT जो हमारे पास है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, वो डिस्टेंड हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो हमारे पास, और डल पेन, और ये हमारे पास डल पेन होती है, यानी कि बहुत कम पेन महसूस हो रही होती है, इसलिए ये फिनोमेना हो सकता है। तो इसलिए विजरल सेंसेशन जो होती है, और उसको हम एक डिवीजन बनाते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये हमारे पास जो सारी सेंसेशन हमने देखी कि ये एक स्टिमुलस बन रहा था, जिन्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर रिस्पॉन्स देगा मोर, ऐसा ये रिस्पॉन्स देगा कि आगे जाकर जो उनसे मोटर फंक्शनल पार्ट, जो फंक्शनल फंक्शन परफॉर्म हो सके अगेंस्ट इस सेंसेशन के, ठीक है। अब फंक्शन क्या परफॉर्म होता है, फिर मोटर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक है सोमैटिक मोटर और एक है ऑटोनॉमिक इन्वॉलंटरी मोटर रिस्पॉन्स, सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है ना। सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसमें हम खुद मूवमेंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये हाथ रखी बैठा हूँ तो मैं खुद मूव करवा सकता हूँ, ये एक्शन कोई स्टिमुलस है। फॉर एग्जांपल ये मुझे यहाँ पर कोई चीज़ चुभी है तो मैं सेंसेशन आई मैं उठा सकता हूँ, खुद उठाऊँ ऐसे महसूस कर रहा हूँ। अगर वो फिर अगर कोई गर्म चीज़ है, वो जिस तरह अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इन्वॉलंटरी है, जो कोई चीज़ गर्म चीज़ें में हमारे पास सेंसेशन आती है तो खुद बहुत ही हाथ पीछे हो जाएगा। लेकिन वैसे अगर जैसे इधर ऐसे मैं मूव कर रहा हूँ और मुझे कोई चीज़ चुभ जाती है तो मैं वॉलंटरी तौर पर खुद को हटा सकता हूँ, तो उसको हम रखते हैं सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स। ऑटोनॉमिक मोटर रिस्पॉन्स में क्या आ जाता है, जो कि इनवॉलंटरी होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट का बढ़ जाना, हम खुद तो कंट्रोल नहीं करते ना, हार्ट कोई रिस्पॉन्स हमारे पास देता है, ठीक है। GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की मूवमेंट्स वगैरह बढ़ जाना, उसकी मतलब जो जब डिजेशन हो रही होती है तो वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं होती ना, वो डिपेंड करती है डाइट की कंपोजिशन या वगैरह वगैरह इस किस्म के रिस्पॉन्स में। फिर ऑटोनॉमी को हमने सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक में डिवाइड कर दिया। अब सिंपथेटिक जोन से होते हैं वो होते हैं जो इनके स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, स्ट्रेसफुल, ठीक है ना, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ब्लड कम हो चुका है तो हम सिंपथेटिक जोन से एक्टिविटी वो हार्ट रेट को बढ़ा के ब्लड कंपनसेट कर रही होती है। पैरासिंपथेटिक वो है इनवॉलंटरी, ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि हमारे पास स्ट्रेसफुल कंडीशन को ना कम कर रहा होता है। मेजर काम इन दोनों में यही होता है, ठीक है ना, उस काम को कम कर रहा होता है, ठीक। तो ये एक हमने इसी तरह सारा पाथवे कवर किया। अच्छा, इसके अलावा एक छोटी सी और इस लेक्चर में बात की गई थी, वो ये है कि कुछ सेंसेशन ऐसी होती हैं जो कि सबकॉन्शियस लेवल ऑफ द कि कुछ सेंसेशन जो उनकी यहाँ से जिस तरह सेंस ऑफ स्टिमुलस प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे पास सब कॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल तक जाती हैं, ठीक। ये मैं बताता हूँ सब कॉन्शियस लेवल क्या है। पहले ये समझे कि है क्या सब कॉन्शियस, वो लेवल है जहाँ पर मतलब कि हम पूरे अवेयर नहीं होते उस चीज़ से। फॉर एग्जांपल मैंने आँखें बंद कर ली हैं और ऐसे हाथ, फॉर एग्जांपल मैं हाथ लेके बैठा हूँ ऐसे, फॉर एग्जांपल ये अब मैं मुट्ठी बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने आँखें बंद की हुई हैं, अब मुझे फिर भी महसूस हो रहा है कि यार मैंने ना हाथ बंद कर रखा है। अच्छा, मैं अब उंगली खोल लेता हूँ, यार मुझे फिर भी महसूस हो रहा है कि ना हाँ कुछ ना कुछ मतलब पता चल रहा है, सेंस हो रहा है सब कॉन्शियस लेवल में, हालांकि मेरी आंखें बंद है, मैं विजन नहीं कर रहा, देख रहा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे पता चल रहा है कि मैंने ये मुट्ठी बंद किया ना और मैं हाथ ऐसे खोल रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि यार ये मैंने यानी कि ना उंगली मैंने जो एक है वो एक्सटेंड की हुई है, ठीक है ना, ये सब कॉन्शियस लेवल है, ठीक। कॉन्शियस लेवल है, फॉर एग्जांपल मैंने आँख भी खोली हुई है, मैं अपने इस फिनोमेना को देख रहा भी हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना रिस्पॉन्स स्टिमुलस जो उनसे हो, फॉर एग्जांपल ये मैंने मुट्ठी बंद की हुई है, हाँ यार ये तो मैंने टाइट बंद की हुई है, मतलब कि वाकई मैंने बंद की हुई है और ये मैंने वाकई उंगली यानी कि एक्सटेंड की हुई है, तो उसको कहते हैं वो आ जाती है कॉन्शियस लेवल और आती है सब कॉन्शियस लेवल पे। अच्छा, अब सब कॉन्शियस लेवल की आप एक और प्यारी एग्जांपल देख सकते हैं सब कॉन्शियस लेवल की। फॉर एग्जांपल आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है ना, आपको तो नहीं पता क्यों बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी लड़की आपका लव क्रश जो होता है आपके सामने अगर पास करता है
तो इस तरह तो नहीं होता कि दिल को तो नहीं पता कि जो से हमारे पास क्रैश पास कर रही होती है और हार्ट रेट बढ़ाना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इस हार्ट उसी रेट उसी वक्त ही, और हमें नहीं पता, ठीक है ना, हार्ट रेट उसी वक्त ही बढ़ेगा जब ज़रूरत होगी, ठीक है, और वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल में होगा। अब जिस तरह आपका ब्लड ब्लड प्रेशर जोन सा होता है, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है सबकॉन्शियस लेवल की, जो कि बैरो रिसेप्टर हमारे पास होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कैरोटिड आर्टरी जोन सी होती है, कैरोटिड, ठीक है ना, कैरोटिड आर्टरी। अब कैरोटिड आर्टरी में हमारे पास ब्लड प्रेशर आप मेजर कर लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका मतलब हार्ट रेट कितना चल रहा है, तो ये सब कॉन्शियस लेवल पर हो रहा होता है, ठीक। अच्छा, अब कॉन्शियस लेवल पर ये कि आपको चीज़ें ना पता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं हाथ की बिल्कुल देख रहा भी हूँ और मूव भी कर रहा हूँ, तो इसे हम कहते हैं कॉन्शियस लेवल। अब कॉन्शियस लेवल कौन सा है हमारे पास ब्रेन में जाकर ये स्टिमुलस होती है, वो है हमारे पास सेरिब्रल कोर्टेक्स, ठीक है ना, सेरिब्रल कोर्टेक्स। और सब कॉन्शियस लेवल कौन सा है हमारे पास, जो पोन्स मेडुला और सेरिबेलम जोन है ना, वो वाला एरिया जोन होता है, वहाँ तक अगर सेंस जाती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमारे पास सेंस आई और ये इस पार्ट तक रुक गई, पोन्स मेडुला यहाँ पर सेंसेशन आकर रुक गई, तो ये सब कॉन्शियस लेवल वाली होती है। अगर ये यहाँ ये जोन सा ब्रेन का फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, अगर यहाँ तक इंफॉर्मेशन जाती है तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये कॉन्शियस लेवल तक जाइए, बिल्कुल एग्जैक्ट फाइन फाइन जोन सी होगी ना, फाइन सेंसेशन कि बिल्कुल एग्जैक्ट जिसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा वो होंगी, ठीक। अब अच्छा, फिर ये तो इसी में ना ये ब्रेन के थोड़े से पार्ट को हम पढ़ लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। ब्रेन को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक एक पार्ट होता है फोर ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। इन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के दरमियान जो चीज़ होती है उसे कहते हैं मिड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम नाम देते हैं प्रोसेंसेफलॉन और मिड ब्रेन को नाम देते हैं मेसेंसेफलॉन। मिड ब्रेन को एम से याद करना है मेसेंसेफलॉन, ठीक है ना, इसको या ओ से याद करना है कि ओ आ रहा था प्रोसेंसेफलॉन। हिंड ब्रेन को हम रोम्बोसेफलॉन कहते हैं। अच्छा, हिंड ब्रेन में हमारे पास क्या कौन से पार्ट आ जाते हैं, हमारे पास बोन्स आ जाता है, मेडुला आ जाता है और सेरिबेलम। ये सेरिब्रल होता है यहाँ पर सेरिबेलम, बेलम जो बेल होती है ना, वो दरख्त के साथ जो स्कूलों में आप देख रहे होते हैं लटक रही होती है, साइड पर लटक रही होती है, तो इसलिए बेल से याद करना है कि सेरिबेलम, बोन्स, मेडुला, ये हमारे पास किस में आ जाते हैं, हिंड ब्रेन में आ जाते हैं, और मिड ये दरमियान वाला, इन दो के दरमियान वाला पार्ट जो होता है वो होता है हमारे पास मिड ब्रेन होता है, और ऊपर वाला पार्ट होता है फोर ब्रेन, जिसे हम कहते हैं प्रोसेंसेफलॉन। फिर हिंड ब्रेन को भी फोर ब्रेन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास सुपरफिशियल आउटर पार्ट और एक हमारे पास डीप जोन सा पार्ट होता है, ठीक। अब जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं टैलेंसेफलॉन, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं टैलेंसेफलॉन, और ये जो इनर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं डाइनसेफलॉन। इसको याद करने का ये है कि एक लेडी है, लेडी डियाना, डाइनसेफलॉन लेडी डियाना लेडी है, जो खूबसूरत लेडी थी, उसको ना ऐसे टेलीस्कोप बहुत सारे लोग ना टेलीस्कोप से देख रहे हैं, बड़े मोहब्बती होके ना इसको देखी जा रही, तो इसलिए फोर ब्रेन को किसने याद कर सकते हैं कि एक टेलीस्कोप से उनसे वो उसके दो पार्टों में डिवाइड किया और इस तरह ये देख रहे हैं, टैलेंसेफलॉन डाइनसेफलॉन, ठीक है। इसको मैं आपको और मज़ीद अच्छी भी दिखा देता हूँ, ये देखें, अब ये हमारे पास ओहो एक मिनट, ये देखें ये हमारे पास ब्रेन है ना, अब ये जो उनका फोर ब्रेन का पार्ट है, फिर फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के ये दरमियान में करके ना हिंड ब्रेन होता है, और ये हमारे पास जो उनका नीचे हम जो है ना उसको कहते हैं कि ये हमारे पास वो है हमारे पास, यार ये थोड़ा ख़राब हो गया, अच्छा हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में हमारे पास ये देखें पोन्स आ जाता है, मेडुला ओब्लोंगेट आ जाता है और सेरिबेलम आ जाता है। अब इन तीनों को हम नाम देते हैं ब्रेन स्टेम का, इन तीनों को हम क्या नाम देते हैं ब्रेन स्टेम का, पोन्स मेडुला ओब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम को, और ठीक है, और इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या होता है मिड ब्रेन, और फोर ब्रेन में ये जोन सी ये सारा कुछ है इसको कहते हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम नहीं कहना सेरिब्रम। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, इसके इंटरनल पार्ट जोन से आउटर पार्ट को हम टैलेंसेफलॉन कह रहे हैं और इनर पार्ट को डाइनसेफलॉन कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये लेक्चर ख़त्म होता है।